किसान भाइयों, आज हम ग्राम पंडरिया में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक किसान बहुत ही बढ़िया ढंग से खरबूजा का अगेती खेती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे पूरा जानकारी लेंगे कि किस तरीके से खरबूजा की अगेती कर सकते हैं उसके बारे में, और वीडियो के अंत में यह जानेंगे कि आप जब अगेती खेती कर रहे हैं खरबूजा का, तो उसमें कौन कौन सी सावधानी आप रख सकते हैं और क्या रणनीति रही है जिसके वजह से यह किसान इस तरीके से खरबूजा का अगेती खेती करने के बारे में सोचा और अभी तक देखने के मुताबिक बहुत हद तक अगेती खेती में सफल हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहे। मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आगे भी इसी तरीके का इस चैनल पर नई नई और सही जानकारी आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई अर्जुन जंघेल। तो आज खरबूजा की खेती के बारे में हमको जानकारी देने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम अर्जुन जंघेल। पहले तो आप यह बताएं कि आपने भूमि की तैयारी किस तरीके से की है। मैं शुरू में पहले टमाटर लगा था, मर जाने के कारण खरबूजा लगा दे हो। तो यह लकड़ी जो है, जब आप टमाटर की खेती किए थे वही लकड़ी अभी तक है, तो आप इसको क्या करने वाले हैं? लकड़ी जैसे कि आप पूरा दिख रहा है, इसको आप क्या करने वाले हैं? लकड़ी तो ऐसे रहेगा लेकिन नीचे में नार ससलेगा, बाद में उखाड़ दिया जाएगा ये बल्ली को। अच्छा ठीक, ये लकड़ी का कोई मतलब नहीं है। यह खरबूजा जो है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं किसान भाइयों, हाँ, यहाँ पर इसके जो पूरा लताए हैं खरबूजा का, वह पूर्ण रूप से फल जाएगा। खरबूजा की खेती किसान भाइयों, इसकी फसल जो है लतेदार होती है। इसमें अभी आप तो इसमें टमाटर किए थे, इस वजह से आप इस तरीके से हैं। अगर आप शुरू से, अगर आप अन्य फसल के बाद जब खरबूजा की खेती करते हैं, तो उसमें आप बेड़ बेड़ की जो दूरी है, यह दूरी आप कितने रखते हैं? दो फुट रहता है। यह दो फुट नाली जो है वह दो फीट रहता है, तो ये बेड जो है वह कितना फीट का रहता है? जो ये डिस्टेंट है वह 6 से 7 फीट रहता है। तो यह किसान भाइयों 6 से 7 फीट रहता है, उतना आपको रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि आप वैरायटी कौन सा लगाए हैं, कौन सा बीज है? 24 नंबर वैरायटी के कौन? निर्मल सीड। निर्मल सीड का 24 नंबर का यह वैरायटी किसान भाइयों। तो यह जो वैरायटी है वह अगेती, जैसे कि आप आगे खेती किए हैं, तो यह वैरायटी वह आगे खेती करने के लिए है या फिर जो अपन मध्यम, जो इसका जो सही समय रहता है दिसंबर से, 15 दिसंबर से जो 15 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं, वही वैरायटी है या फिर आगे खेती करने के लिए अन्य वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है? यह दिसंबर में ही लगाया जाता है। तो यही वैरायटी को आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं और आप अगेती भी खेती करते हैं, फिर भी आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाई। इसका बीज कितना पड़ता है आपको? पहले तो 800 मिलता था 50 ग्राम का। 50 ग्राम का 800 रुपये? 800 मिलता था, अब 950 हो गया। अभी 950 हो गया, मतलब रेट बढ़ चुका है। प्रति एकड़ कितना बीज दर लगता है? मैं 6 पैकेट लगता है। 6 पैकेट 300 ग्राम प्रति एकड़ के दर से बीज लगता है किसान भाई। और डायरेक्ट बीज को प्लांटेशिंग करना पड़ता है या फिर नर्सरी तैयार कर रोपाई करना पड़ता है? पहले रोपाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बीज को भी लगा, डायरेक्ट भी बीज को लगा सकते। तो आपने किस तरीके से बुआई की हुई है? इसको मैं पहले जमाया घर में, नर्सरी तैयार की, टीका डाला जी, हरिया में बांध कर टिकाया। कितने दिन तक रखा? 3 दिन घर में रखा, टिकाया, फिर जमीन में लगा दिया, फिर जम गया। जैसे जर्मिनेशन आया बीज किसान भाइयों, यह किसान ने पहले कच्चे कपड़े पर गुनगुना पानी में करके रखा था, गर्म पानी में कर कपड़े में 3 दिन तक अपने घर पर ही रखा था, और जैसे ही जर्मिनेशन आया वह बीज को फिर खेतों में लाकर प्लांटेशन कर दिया। तो 2 दिन में बाहर निकल आया जमीन से, जमीन से 2 दिन में बाहर निकल आया। तो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप भी निश्चित रूप से कर सकते हैं किसान भाइयों। और उसमें आपने किसी भी तरीके का कोई उपचारित किया हुआ था या फिर नहीं किया हुआ था? नहीं किया हूँ मैं। ठीक, उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है या फिर नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती। हाईब्रिड वैरायटी किसान भाइयों, वह ऑलरेडी उपचारित करके ही आया होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसको उपचारित कर लगा सकते हैं। आपका फसल जो है बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हैं किसान भाई। तो यह फसल जो है कितने दिनों का हो चुका है अभी तक? 29 दिन की हुआ है।
तो 29 दिनों का यह फसल है किसान भाइयों, और इसमें फूल भी आने लगा है और कहीं ना कहीं यह लताएं जो है अब निकलने के स्टेज पर आ चुका है। कहीं ना कहीं अब इसके लताएं बाहर अब फैलने वाले हैं। अभी तक आपने कौन कौन सा खाद डाला हुआ है? अभी डीएपी और पोटास पर डाला है। डीएपी और पोटास, मात्रा कितनी रखे है उसकी? मात्रा एक एकड़ में एक बोरी हिसाब से डाला है। एक बोरा डीपी और पोटास? पोटास 10 किलो। पोटास 10 किलो, सिर्फ एक ही बार ड्रिंचिंग किया हुआ है किसान भाई। अभी आप अगला ड्रिंचिंग कितने दिनों के गैप में करने वाले हैं? पहले करने वाला फिर है। अब फिर आप सेकंड ड्रिंचिंग करने वाले हैं। सिंचाई कितने दिनों में करना पड़ता है? इसका पानी कितने दिन में आप देते हैं? ये हमारे जमीन तो थोड़ा भाटा जमीन है जी, इसलिए 5-6 दिन में लगता है पानी। 5 से 6 दिनों के गैप में आपको पानी देना होता है। रोग मुख्यतः कौन कौन से रोग लगता है इसमें? ये में डाउनी पाउडरी ज़्यादा लगता है। डाउनी और पाउडरी, इसने बचाने के लिए बस यही तरीका है। कौन सा स्प्रे कौन से करते हैं उसके नियंत्रण? डेलमा अच्छा क्वालिटी का है। डेलमा से नियंत्रित हो जाता है? हाँ, नियंत्रित हो जाता है। और इसमें एक और बहुत मैंने शिकायत देखा है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ जड़ सलन गलन की समस्या जो है बहुत। डेलमा में ही सब रोकथाम हो जाता है। तो सब ही वह सब चीज़ डेलमा में, डेलमा के स्प्रे से सब आसान तरीके से नियंत्रण हो जाता है। फल का जो सेटिंग है कितने दिन में होने लगता है? 40 दिन में हो जाता है। 40 दिन में से होने लगता है। इसका हार्वेस्टिंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है? फल का जो तोड़ाई है वह कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है? 2.5 महीने में होता है। 2.5 महीने में इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है। और यह फसल टोटल कितने दिन तक चलता है? 3 महीने तक चलता है। 3 महीने में यह पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसका हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट हो जाता है तो कितने दिनों तक लगातार हार्वेस्टिंग चलता है? अगर चलता है 25-26 दिन चलता है। मात्र 25 से 26 दिन हाँ इसका हार्वेस्टिंग चलता है, वहीं पर पूरा निकल जाता है? निकल जाता है। अगर हम प्रति एकड़ की लागत की बात करें तो कितना लागत लग सकता है? 25,000 आ जाता है प्रति एकड़। 25,000 हाँ, ए टू जेड अगर आप खर्चा निकालें तो 25,000 में हो जाता है लागत। और आप कितने एकड़ में खरबूजा की खेती कर रहे हैं? 2 एकड़ में लगा है। 2 एकड़ में खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हैं वहाँ तक भी और इस तरफ भी आप देख सकते हैं पूरा खरबूजा यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर एक एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना प्रॉफिट निकल के आ जाते हैं? अब तो रेट ऊपर है लेकिन 2.5 से 3 लाख हो जाता है। कट अपना जो लागत है वह काट कर, तो अपना जो लागत है किसान भाइयों वह काट कर 2.5 से 3 लाख तक कमाई हो जाता है। वह रेट पर डिपेंड रहता है कि रेट कितना, मार्केट वैल्यू हमको कितना मिल रहा है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहता है कि आप कितना कमाई करने वाले हैं किसान भाइयों। तो अब वीडियो के अंत में हम यह जानते हैं किसान भाइयों कि क्या रणनीति रही है जिसकी वजह से अगेती खेती करने के बारे में सोचा है खरबूजा के बारे में, क्योंकि यह एक मौसमी फसल है किसान भाइयों। अगर आप इसको इसका समय पर ही इसका खेती करते हैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे में अगेती खेती करने का इसका रणनीति क्या रहा है और कौन कौन सी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है अगेती खेती में, उसके बारे में जानते हैं कि आपका कौन सा रणनीति रहा है जिसकी वजह से आप अगेती करने के बारे में सोचे हैं खरबूजा का। यह पहली लगाना तो रेट मिलता है, पहले लगाने से रेट अच्छा मिलता है, आय नहीं रहता है ठीक, बाद में अगर आप लगाते हैं तो सब लग जाता है। तो सभी वही समय पर लगाते हैं तो रेट डाउन हो जाता है, रेट वहां पर आपको कम मिलता है किसान भाई। शुरू में अच्छा मिलता है, शुरुआत में अच्छा मिलता है क्योंकि ज़्यादा उस समय नहीं लगा होता है। और जब सभी किसान भाइयों का माल एक साथ जब मंडी में जाता है तो कहीं ना कहीं रेट को गिरावट देखने को मिलता है। इसी वजह से अगेती खेती करने के बारे में यह किसान भाई ने सोचा है। आप इसका अगेती खेती कर रहे हैं तो क्या कौन कौन सी चीज़ों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होता है? यह में डाउनी पाउडरी ज़्यादा लासा पुरता है, यही ज़्यादा लगता है। उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से अगर देखभाल करते हैं तो आप अगेती खेती में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दिया है। उम्मीद है कि आपको भी यह जानकारी अच्छा लगा होगा। तो आगे चल के किसान भाइयों खरबूजा की खेती के बारे में A to Z आपको जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। भूमि से तैयारी से लेकर
ए टू जेड क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम खरबूजा का अगेती खेती किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सा विशेष ध्यान आपको रखना होता है उसके बारे में आज हमारे जो किसान भाई है अर्जुन वर्मा जी ने वह बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस तरीके से आसान तरीके से खरबूजा की खेती कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरीके का इस चैनल पर नई नई और सही जानकारी आने वाली है। तो बस किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।